जैसे ही मोदी सरकार ने नागरिकता कानून को दोनों सदनों से पास करवाया, वैसे ही इमरान खान को मिर्ची लग गई। बौखलाए इमरान खान भारत पर झूठे आरोप लगाने लगे और दुनिया को बताने लगे कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। इमरान खान ने ट्वीट करके भारत पर आरोप लगाया था, लेकिन अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने इमरान खान को उन्हीं के भाषा में करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि इमरान खान ने चर्चित लेखक खुशवंत सिंह के लाइनों का उदाहरण देकर उर्दू में कहा कि भारत कट्टरवादी विचारधारा की ओर बढ़ रहा है। इमरान खान के इसी ट्वीट के जवाब में शिवराज ने उर्दू में ट्वीट कर उन्हें ट्रोल किया। शिवराज सिंह ने लिखा, क्या उर्दू में भी कोई इमोजी है? शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट के बाद एक यूजर ने शिवराज से पूछा कि मामा आपने उर्दू सीख ली है क्या? इस पर उन्होंने जवाब दिया, अरे भांजा साहब, आखिर गूगल ट्रांसलेट किस दिन काम आएगा। शिवराज सिंह चौहान ने इमरान खान को सटीक जवाब देकर उनको बता दिया कि भारत उनके मुल्क जैसा नहीं है। इमरान खान वही सोच सकते हैं जो वो अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ करते हैं। इमरान खान ने कहा कि भारतीय मुसलमानों के अधिकार छीने जा रहे हैं। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इमरान खान को सटीक जवाब दिया। भारत की ओर से कहा गया कि ये इमरान खान की बेतुकी टिप्पणी है जो भारत के प्रति उनकी घृणा और पूर्वाग्रह का परिचायक है। भारत ने इमरान खान को आईना दिखाते हुए यह भी कहा कि इमरान अपने देश के लिए काम करे। बहरहाल अब आगे से इमरान खान भारत के खिलाफ ऐसे ट्वीट करने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।